जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस में वैकेंसी आउट हुई है। वैकेंसी तो दोस्तों काफी अलग अलग जगह पे आउट हुई है, लेकिन आज के सिंगल वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में। अगर आप दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट पे नौकरी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते अपनी वीडियो को, अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों जहां वैकेंसी आउट होती है उसका लिंक तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके नियर बाय जॉब है या नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर वैकेंसी देख रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा, तो उससे पहले वीडियो को पूरा जरूर देखना, अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों वैकेंसी निकली है कैबिन क्रू की एयरबस में। दोस्तों इसमें दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस के थ्रू वैकेंसी निकली है, लेकिन जो आपका इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा उसमें डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट होगा, इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। इंटरव्यू पर ही डिसाइड होगी बहुत सारी चीजें, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या दी गई है। सबसे पहले दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं फीमेल इंडियन नेशनल्स, इस चीज को ध्यान से समझना, इसको मेल अप्लाई नहीं कर सकते, फीमेल इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं विद इंडियन पासपोर्ट। आपके पास इंडियन पासपोर्ट भी होना चाहिए, वहां पे उनकी वेबसाइट पे साफ साफ मेंशन है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप गो थ्रू जरूर कर लेना फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों एज की बात करें तो कम से कम 18 साल ज्यादा 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 12th पास मांगा गया है। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या इसको साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं या कॉमर्स वाले, ऐसा बिल्कुल इसमें सिंपल मेंशन किया गया है कि भाई इसमें सिंपल 12th पास मांगा गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों, इसमें लिखा गया कि फ्लुएंसी एंड क्लियरिटी स्पीच इन इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए दोस्तों फ्लुएंसी एंड क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी स्पीच में, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों इस चीज का काफी अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा वहां पे आपको ये चीज फेस करने को मिलेगी और आपको वहां पे ही अपना इंटरव्यू अच्छे से देना है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। अगली बात करते हैं हाइट की, तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, और इसमें नो टैटू विजिबल होना चाहिए। आप ड्रेसअप होते हैं दोस्तों तो आपका कोई भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर इसमें सैलरी क्या मिलेगी, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बता दूं कि कोई रिक्वायरमेंट है इनमें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज समझिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आपको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वहां पे आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों मेंशन किया गया है कि इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। ड्रेस कोड का आपको ज्ञान होना चाहिए, वो भी मेंशन किया गया है, तो हम वहां से चेकआउट कर सकते हैं, उसी ड्रेस कोड के अनुसार आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। उसके साथ साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, रिज्यूमे बना के ले जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये अनिवार्य है दोस्तों, ये तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो ओरिजिनल भी और फोटोकॉपीज के सेट भी आपको लेके जाने हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको मास्क वगैरह का ध्यान रखना, आरोग्य सेतु जो ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो डाउनलोड रखनी है अपने मोबाइल में, और अपने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स भी लेके जाने हैं। उसके साथ साथ अब बात करते हैं सैलरी की, तो बेसिकली दोस्तों आपके मन में जो सवाल है इसका जवाब मैं दे देता हूं। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आपकी काबिलियत के अनुसार वहां पे डिसाइडेबल होता है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सबकी सैलरी इक्वल रहती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी काबिलियत के अनुसार आपकी सैलरी निर्धारित करी जाए। इसके साथ साथ जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा 16 मार्च 2022 को कंडक्ट होगा, कहां होगा, सारे फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, इसे ध्यान से समझना, चार श्री अरविंदो मार्ग विजय मंडल इनक्लेव कालू सराय, दोस्तों यहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। एक बार आप एडवर्टाइजमेंट जरूर रीड आउट कर लेना फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो वीडियो कैसे लगी आपको जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई